उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में निजी विश्वविद्यालय ऑर्डिनेंस 2019 अम्ब्रेला एक्ट को मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रदेश के सभी 27 निजी विश्वविद्यालय अब एक ही एक्ट में संचालित होंगे। राज्यपाल राम नाईक की अनुमति के बाद यह अधिनियम लागू हो जाएगा। इस अधिनियम के लागू होने से निजी विश्वविद्यालयों में सरकार का दखल बढ़ेगा। वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताएं मिलने पर सरकार प्रशासक नियुक्त करने से लेकर यूनिवर्सिटी को बंद भी कर सकेगी, साथ ही नियंत्रण के लिए नियम भी बना सकेगी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बताया कि अभी सभी निजी विश्वविद्यालय अलग अलग अधिनियमों से स्थापित और संचालित हैं। इससे वहां सरकार की नीतिगत निर्णय लागू कराने, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के मानक लागू करने की प्रक्रिया तय नहीं थी। अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि यूनिवर्सिटी को यह आश्वस्त करना होगा कि कैंपस में किसी भी तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधि नहीं होगी। साथ ही कमजोर वर्ग के छात्रों को 10% सीटों पर 50% शुल्क के साथ दाखिला देना होगा। तो 10% सीटें गरीब छात्रों के लिए आरक्षित होंगी, एक महत्वपूर्ण ये फैसला, ये अम्ब्रेला एक्ट का असर है। सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए अम्ब्रेला एक्ट होगा। ये निजी विश्वविद्यालय लाने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि शिक्षा में समानताएं हों और एक निश्चित नियम के अनुसार जो एकेडमिक कैलेंडर हो उसके अनुसार इनका कार्य संचालन सुनिश्चित हो और इनमें एक विश्वसनीयता का भाव जागृत हो। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले तमाम विश्वविद्यालय लगभग 27 पहले से स्थापित हैं और तमाम ने आवेदन कर रखा है। ऐसी स्थिति में उनके बीच में एक आपसी सहमति बन सके, जो पुराने विश्वविद्यालय हैं, जो 27 विश्वविद्यालय पहले से संचालित हैं, उनके लिए एक वर्ष का समय दिया गया है कि वो अपने प्रावधानों को, जो अपना उनका एक्ट उन्होंने बनाया है, उसको समाहित करते हुए जो विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालय एक्ट है उसके नीतिगत निर्णयों को अपने वो एक्ट में शामिल करें। और जो निजी विश्वविद्यालय हैं जो भेजेंगे अपने प्रदेश के एक्ट के प्रावधानों को समाहित करते हुए अपने एक्ट को, तो राज्य सरकार के जो राज्य शैक्षिक उच्च शिक्षा परिषद है उसे 3 महीने के अंदर अपनी स्वीकृति देनी होगी। अगर 3 महीने के अंदर स्वीकृति नहीं देती तो ये डीम्ड एक्सेप्टेंस गवर्नमेंट की ये मान ली जाएगी। इसमें प्रयास किया गया है कि कम से कम परेशानी हो और शिक्षा की उच्च गुणवत्ता का जो मानक है वो एक उच्च मापदंडों के साथ में स्थापित हो। तो ये एक एक्ट, मैं समझता हूँ कि ये रामबाण स्थापित होगा शैक्षिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए। तो आप पहले तो यूनिवर्सिटियों को आप बुलाते हैं, इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं, आप एक तरफ कहते हैं कि हमारी स्टेट में इन्वेस्टमेंट हो और इन्वेस्टमेंट किसी भी फील्ड में हो। सरकारें वो आई जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए काम किया और जिसकी वजह से यूनिवर्सिटियां बनी। अब कैसी पाबंदी लाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ ऐसे तो कोई आएगा ही नहीं, ना कोई कॉलेज खोलेगा ना कोई यूनिवर्सिटी खोलेगा। यूनिवर्सिटी तो खोलनी नहीं है उन्हें, यूनिवर्सिटी बंद करनी है उन्हें।